दुग्धाहार सात्विक आहार नहीं है, क्योंकि दूध शरीर से निकलता है जैसे खून शरीर से निकलता है। दूध मां का खून ही है, और अपनी मां का पियो तो ठीक, गौ माता का पी रहे हो। गौ माता का दूध तुम्हारे लिए नहीं है। ये लटपटानंद किसका दूध पीते रहे? गौ माता का। ये गौ माता का दूध गौ पुत्रों के लिए है, ये बछड़ा बछड़ियों के लिए है, ये लटपटानंदों के लिए है नहीं। कोई गाय नहीं कहती कि आओ बेटा लटपटानंद दूध पियो। ये गौ के साथ अनाचार है, बलात्कार है, जबरदस्ती उसका दूध छीना जा रहा है, उसके बच्चे का दूध छीना जा रहा है। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव दया है। और ये कैसी जीव दया है? क्योंकि गौ को तो तुम शोषण करते हो, उसके बछड़ों के लिए जो दूध है वो खुद पीते हो और कहते हो कि गौ भक्त हूं मैं, गौ को माता कहते हो, और उसके असली बेटों से वंचित करते हो, उसके असली बेटों को भूखा मारते हो। शंभु महाराज दूध पी रहे हैं और नंदी महाराज भूखे बैठे, और असली बेटा नंदी महाराज, शंभु महाराज नहीं। नंदी महाराज बैठे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जरा नंदियों से तो पूछो, तो वो कहेंगे कि बाबा ये दूध हमारे लिए है। अगर तुम्हारी गौ भक्ति इतनी बड़ी है तो अपनी स्त्रियों का दूध बछड़ों को पिलाओ तो समझ में आएगा गौ भक्ति। ये कैसी गौ भक्ति कि दूध पी रहे उनका, चूस रहे गौओं को और बातें कर रहे गौ भक्ति। फिर तो मच्छरों की भक्ति करो, मच्छर भक्त हो जाओ, क्योंकि मच्छर तुम्हारा खून चूसते, तब पता चलेगा भक्ति का। लेट जाओ खाटों पर नंग धड़ंग, चूसने दो मच्छरों को, खटमलों को पिलाओ खून, और कहो कि ये, तब मैं कहूंगा कि ये भक्ति है, क्योंकि भक्ति में कुछ तुम दो तो भक्ति। ये कैसी भक्ति को उल्टा ले रहे हो? गौओं से तो पूछो कि तुमने उनकी क्या गति कर दी। सारी दुनिया में गौओं की हालत बेहतर है भारत को छोड़कर। भारत अकेला देश है जहां गौओं की सबसे दयनीय दशा है। हड्डी हड्डी हो रही है, मांस सूख गया है, और लोग दूध खींचे जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं, निकलता भी नहीं कुछ। दो पांव निकल आए तो शेर भर निकल आए तो गजब। तुम गौओं को क्या दे रहे हो और तुम बातें दया की कर रहे हो? ये ज्यादा दयापूर्ण होगा कि ये मरती हुई गौओं को सड़कों पर सड़ने की बजाय, पिंजड़ा पोलों में सड़ने की बजाय मुक्त कर दो। इनकी सड़ी गली देश, इनको मुक्त कर दो। यही मैंने कहा था। वो सून को अड़चन हो गई, बेचैनी हो गई। मैंने इतना ही कहा था कि भारत उतनी ही गौएं बचा ले जितनी गौएं बचा सकते हैं हम। जब ज्यादा बचा सकेंगे तो ज्यादा बचा लेंगे। ये दया का काम होगा। अगर असली गौ भक्त हो तो दूध पीना बंद कर दो। पहली तो बात, गौ भक्त दूध नहीं पी सकता। कैसे पिएगा? गौ भक्त को तो यह करना चाहिए कि अपनी पत्नी का दूध बछड़ों को पिलवाए। ये सीधी बात होगी। अगर भक्ति है, ये कैसी भक्ति कि बछड़ों को अलग हटा के उनका दूध खुद पी रहे हो, और दूध को कहते हैं कि बड़ा शुद्ध आहार, सात्विक आहार, छीन रहे हो, हिंसा है ये। और गौ के बछड़ों को बांध देते हैं पास। सच तो ये है कि मुर्दा बछड़ों को बांध देते, मरे मराए बछड़ों में भूस भर के रख देते ताकि गौ को धोखा रहे कि बछड़ा पास है तो उसके स्तन से दूध बहने लगे। अरे अपनी पत्नियों का दूध पिलाओ बछड़ों को, सांडों को, नंदियों को। ये भक्ति होगी। जो आदमी गौ का मांस खा रहा है वो भी भक्त नहीं है, और जो गौ का दूध पी रहा है वो भी भक्त नहीं, क्योंकि दोनों शोषण कर रहे हैं गौ का। और ये भी ध्यान रखना कि गौ का दूध पियोगे तो सांड हो जाओगे, क्योंकि वो सांडों के लिए है, आदमियों के लिए नहीं। जितना ज्यादा दूध पियोगे उतने ही काम वासना सताएगी, सात्विक कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो दूध बना सांडों के लिए था, तुम्हारे लिए बना नहीं था। फिर लंगोट कस के बांधो, लंगोट के पक्के रहो। पहले दूध पियो, फिर लंगोट के पक्के रहो। दुग्ध आहार सात्विक आहार कतई नहीं, क्योंकि कोई पशु बचपन के कुछ समय के बाद दूध नहीं पीता, सिर्फ आदमी को छोड़कर। पशु को जरूरत भी नहीं, शरीर का काम पूरा हो जाता है। सभी पशु दूध पीते हैं अपने मां का, लेकिन दूसरों की माताओं का दूध सिर्फ आदमी पीता है, और वो भी आदमी की माताओं का नहीं, जानवरों की माताओं का भी पीता है। दूध बड़ी अद्भुत बात है, और आदमी की संस्कृति में दूध ने न मालूम क्या क्या किया है जिसका हिसाब लगाना कठिन है। बच्चा एक उम्र तक दूध पिए, यह नैसर्गिक है।
इसके बाद दूध समाप्त हो जाना चाहिए। सच तो यह है जब तक मां के स्तन से बच्चे को दूध मिल सके बस तब तक ठीक है, उसके बाद दूध की आवश्यकता नैसर्गिक नहीं है। बच्चे का शरीर बन गया, निर्माण हो गया, दूध की जरूरत थी, हड्डी थी, खून था, मांस बनाने के लिए स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ढांचा तैयार हो गया, अब सामान्य भोजन काफी होगा। अब भी अगर दूध दिया जाता है तो ये सारा दूध काम वासना का निर्माण करता है, ये अतिरिक्त है। तो दूध से निर्मित जो भी है वो कामोत्तेजक है, इसलिए महावीर ने कहा कि वो उपयोगी नहीं है, खतरनाक है, अवरोध है। फिर पशुओं का दूध है, वो निश्चित ही पशुओं के लिए, उनके शरीर के लिए, उनकी वीर ऊर्जा के लिए जितना शक्तिशाली दूध चाहिए उतने पशु मादाएं पैदा करती। जब एक गाय दूध पैदा करती तो आदमी के बच्चे के लिए पैदा नहीं करती, सांड के लिए पैदा करती। और जब आदमी का बच्चा पिए उस दूध को और उसके भीतर सांड जैसी काम वासना पैदा हो जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, वह आदमी का आहार ना था। इस पर अब तो वैज्ञानिक भी काम करते हैं, और आज नहीं कल हमें समझना पड़ेगा कि अगर आदमी में बहुत सी पशु प्रवृत्तियां हैं तो कहीं उनका कारण पशुओं का दूध तो नहीं। अगर उसकी पशु प्रवृत्तियों को बहुत बल मिलता है तो उसका कारण पशुओं का आहार तो नहीं। दूध मांसाहार का हिस्सा है, दूध मांसाहार है क्योंकि मां के खून और मांस से ही निर्मित होता है, शुद्धतम मांसाहार है। इसलिए जैनी जो अपने को कहते हैं कि हम गैर मांसाहारी हैं, कहना नहीं चाहिए जब तक वो दूध न छोड़ दें। क्वेकर ज्यादा शुद्ध शाकाहारी हैं क्योंकि वो दूध नहीं लेते, क्यों कहते हैं दूध एनिमल फूड है, वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूध तो हमारे लिए पवित्रतम है। पूर्ण आहार है, सब उससे मिल जाता है, लेकिन बच्चे के लिए, और वो भी उसकी अपनी मां का, दूसरे की मां का दूध खतरनाक है। और बाद की उम्र में तो फिर दूध, मलाई और घी और ये सब और उपद्रव हैं दूध से निकले हुए, और ये सब अप्राकृतिक है, और इनको आदमी लिए चला जाता है। निश्चित ही उसका आहार फिर उसके आचरण को प्रभावित करता है।